बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 2 क्लास 8 के लिए जो है उसको करने जा रहे हैं। जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है सूक्ष्म जीव, और ये कौन से चैप्टर से लिया गया है? ये लिया गया है सूक्ष्म जीव हमारे मित्र एवं शत्रु। और आज हम जिसको देखेंगे वो है कि सूक्ष्म जीव किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी हैं। यहाँ देखो दिया हुआ है, सूक्ष्म जीव की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत से खाने की चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है, उन खाने की चीज़ों को बनाने के लिए हम सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखो और दिया हुआ है, किस किस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं सूक्ष्म जीव का? चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में, अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन में यानी कि जब हम खाद बनाते हैं तब, औषधि यानी कि मेडिसिन्स के निर्माण में, नाइट्रोजन चक्र में। ठीक है, अब यहाँ दिया है इसके अलावे भी हम कहाँ सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं? अचार बनाने में, डोसा, इडली, अल्कोहल यानी कि शराब, इसको बनाने में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आज जिस सूक्ष्म जीव के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु है यानी कि बैक्टीरिया है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया किसका आता है हमारे? ये आता है दूध से दही बनाने में, यानी कि ये क्या होता है, दही में कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि अगर उस थोड़े से दही को दूध में डाल दिया जाए तो दूध हमारा क्या होता है, दूध कैसा होना चाहिए? सबसे पहले दूध होना चाहिए हमारा न बहुत ज़्यादा गर्म न बहुत ज़्यादा ठंडा, बल्कि होना चाहिए गुनगुना। ऐसे गुनगुने दूध में अगर हम थोड़ा सा दही डाल देते हैं जिसमें कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं, तो वो क्या करता है, वो पूरे दूध को दही में जमा देता है। ठीक है बच्चों, अब आओ इसके क्वेश्चंस को करने की कोशिश हम करते हैं। यह दिया हुआ है, दूध से दही कैसे बनाया या जमाया जाता है? दही बनाने के लिए कौन सी दो चीज़ों की आवश्यकता होती है? ठीक है, अब देखो दूध से दही कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ दिया हुआ है कि दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं, इसलिए थोड़ा सा दही दूध में मिलाने पर वह जीवाणु उचित तापमान पर जनन कर उसे दही में बदल देते हैं। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है, दही बनाने के लिए कौन सी दो चीज़ों की ज़रूरत होती है या आवश्यकता होती है? तो पहला तो हो गया दूध, और दूसरा क्या हो गया, थोड़ी सी दही जिसमें कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? फिर से वही क्वेश्चन है, तो दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म जीवों के कोई 4 उपयोग लिखिए। तो यहाँ देखो सूक्ष्म जीव के 4 उपयोग क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला उपयोग हो सकता है चीज़ बनाने में, दूसरा उपयोग हो सकता है ब्रेड बनाने में, तीसरा उपयोग हो सकता है अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन में यानी कि खाद बनाने में, और चौथा हो सकता है औषधि निर्माण में या दवाएं बनाने में। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आज की वर्कशीट आपकी खत्म होती है। थैंक यू।